हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं प्रकाश खंदारे, प्रगति सूत्र, संपूर्ण दस्तावेज आपकी सफलता के लिए, जिसे लिखा है संजय जैन महागुरु जी और नरसिंह ग्रेवाल महागुरु जी ने, जिसका हम पार्ट 12 देखेंगे। आवश्यकता। पिछले 12 वर्षों का मेरा अनुभव रहा है कि बगैर प्रणाली यानी सिस्टम के नेटवर्किंग व्यवसाय करना लगभग असंभव है। सिर्फ एक अच्छी कार्य प्रणाली सिस्टम ही इस व्यवसाय को ऊंचाई पर ले जा सकती है, और फिर नेटवर्किंग व्यवसाय के माध्यम से आर्थिक और समय की आज़ादी। बगैर ठोस प्रणाली के सिर्फ एक सपने की तरह होगी। आर्थिक और समय की आज़ादी पाने के लिए ही तो लोग इस व्यवसाय को जुनून की तरह करने को हरदम तैयार रहते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इस व्यवसाय में ही तो दिखने और सुनने का मौका मिलता है कि कैसे किसी आम से दिखने वाले व्यक्ति ने कुछ वर्षों की मेहनत से लोगों का नेटवर्क बनाया, उसे लगातार होने वाली आमदनी हो रही है। साथ ही इस पैसे को खर्च करने के लिए उसके पास समय की भी आज़ादी है। नेटवर्किंग व्यवसाय टीम भावना पर आधारित है, जहाँ हजारों लोग साथ मिलकर एक साथ काम करते हैं। आपने देखा होगा कैसे देखते ही देखते लोगों ने नेटवर्किंग के माध्यम से अपने जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम आए दिन व्यवसाय में लोगों के जीवन में आए बदलावों को देखते और सुनते हैं। क्या बगैर प्रणाली के लोगों के बड़े बड़े नेटवर्क बनाना संभव है? क्या बगैर प्रणाली के लगातार आने वाली आमदनी बनाई जा सकती है? क्या बगैर प्रणाली के समय की आज़ादी पाई जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं। जब एक व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय से जुड़ता है तो वह इस व्यवसाय को कैसे करना है से बिल्कुल अनजान होता है। वह तो सिर्फ अच्छे पैसे कमाने की लालसा से जुड़ जाता है, लेकिन जुड़ने के बाद उसके साथ क्या घटित होता है, कैसा माहौल मिलता है, कौन सहायता करता है, उसके साथ जैसा व्यवहार होता है, आदि कुछ बातें हैं जिसका सीधा मतलब उसके इस नेटवर्किंग व्यवसाय की सफलता से जुड़ा है। जुड़ने के बाद क्या दिशा मिलेगी पर ही उसकी दशा टिकी है। यदि दिशा अच्छी होगी तो दशा भी अच्छी होगी। इस किताब के माध्यम से हम एक सरल, स्पष्ट, दोहराए जा सकने योग्य, सभी के लिए समान रूप से कार्य करने वाली प्रणाली का विस्तार से वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमारी प्रणाली से जुड़कर हर तरह का कार्य करने में उसे अड़चन न हो। हमारा प्रयास है एक ऐसी कार्य प्रणाली की व्याख्या करना जो इस व्यवसाय से जुड़ने वाले हर व्यक्ति के हित में कार्य करे, एक आदर्श प्रणाली जो समझने लायक हो, इस व्यवसाय से जुड़ने वाले हर व्यक्ति के हित में कार्य करे। एक आदर्श प्रणाली कैसी हो? हमारी प्रणाली सरल, स्पष्ट, दूरदर्शितापूर्ण, सफलता दिलाने वाली, दोहराई जा सकने वाली, सभी के समझ में आने वाली, सभी के लिए समान रूप से कार्य करने वाली, जिस पर सब निष्ठा रख सके, पारदर्शी और अनुकरणीय। सरल, हमारे द्वारा इस्तेमाल में लाई जा रही प्रणाली बिल्कुल ही सरल है। इसे आसानी से समझा जा सकता है। व्यवसाय से जुड़ने के बाद से ही आपको अब आगे क्या करना है के बारे में आपके स्पॉन्सर के माध्यम से, या आपका स्पॉन्सर यदि किसी दूसरे शहर में है तो वेबसाइट के माध्यम से अथवा फ़ोन के माध्यम दिशा निर्देश मिलने शुरू हो जाते हैं। बस एक व्यक्ति जो इस व्यवसाय से जुड़ चुका है, मिलने वाले सरल से दिशा निर्देशों पर धीरे धीरे काम करना शुरू कर दे। सीख सीख कर ही आप इस व्यवसाय में अपने आप कामयाब हो सकते हैं। सीखने के लिए आपको भरपूर साधन इस प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध है। पहला, स्पॉन्सर के माध्यम से मिलने वाले दिशा निर्देश। दूसरा, सीडी ऑडियो सीडी सुनकर व देखकर। तीसरा, कि आपके आसपास होने वाले किसी समारोह फंक्शन में शामिल होकर। चौथा, इस व्यवसाय के विभिन्न किताबों को पढ़कर आप बड़ी ही सरलता से
इस व्यवसाय को करना सीख सकते हैं। अनुकरणीय, इस प्रणाली को अपनाकर लोगों ने अद्भुत सफलताएं अर्जित की है। प्रगति पथ यानी प्रगति सूत्र किताब में वर्णित सफल लोगों की गाथा खुद उन सफल लोगों ने व्यक्त की है, जिन्हें आप स्वयं पढ़कर अपना विश्वास बढ़ा सकते हैं। उन सभी लोगों ने इस प्रणाली को अपनाकर अपना नाम सफल लोगों की श्रेणी में दर्ज कराया, जो अनुकरणीय है। दूरदर्शिता, इस प्रणाली का संचालन उन व्यक्तियों के माध्यम से किया जा रहा है जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से इस व्यवसाय में अविश्वसनीय सफलता अर्जित की है, और वे सभी सफल लोग हमेशा इस प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना भरपूर योगदान देते रहते हैं। हमारी प्रणाली आज के युग के सबसे आधुनिकतम तकनीक को इस्तेमाल में लेकर कार्य कर रही है। समय समय पर होने वाले बाजार के उतार चढ़ाव को ध्यान में रखकर ही कार्य कर रही है। हमारे सभी एग्जीक्यूटिव डायमंड दूरदर्शी है। यही वजह है कि हमारी कार्य प्रणाली बाजार में मौजूद प्रणाली से हमेशा बहुत बेहतर है। आज हम इस विश्वस्तरीय प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं, जो कुछ इस तरह है। जुड़ने वाले हर एक व्यक्ति की सहायता के लिए वेबसाइट का निर्माण, ऑडियो वीडियो सीडी का निर्माण, हर एक की सहायता और तरक्की के लिए प्रगतिपथ किताब के माध्यम से काम करने के सही तरीके की जानकारी, प्रगति सूत्र किताब के माध्यम से काम करने के सही तरीके की जानकारी, लेजेंड्स फॉरएवर फोटो एल्बम के माध्यम से सफल लोगों को प्रदर्शित करना, समय समय पर समारोह के माध्यम से सफल लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, सीखना और सिखाना, सफल लोगों को सम्मान दिलाना। दोहराने योग्य, डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि एक व्यक्ति इस व्यवसाय से जुड़कर जुड़ चुके सफल लोगों को कितनी आसानी से डुप्लीकेट करते हैं, जो करे उसे दूसरे व्यक्ति भी सरलता से कर सके। नेटवर्किंग व्यवसाय की सफलता का मापदंड इस बात से तय होता है कि जुड़े हुए लोग जिस प्रणाली में जरूरी करने वाले कार्य, दूसरा जरूरी न करने वाले कार्य को बताने की व्यवस्था नहीं होगी, वहाँ बड़ा व्यवसाय कर पाना कठिन होगा। कोई व्यक्ति कितनी भी प्रभावशाली और पैसे वाला क्यों न हो, अपने अकेले के बलबूते नेटवर्क में सफल नहीं हो सकता। हमारी प्रणाली आसानी से दोहराई जा सकने वाली प्रणाली है। बस आपको ज़रूरत है लगातार प्रणाली से जुड़े रहने की। दोहराने का नियम, पहले सीखना, करना, करके बाद सिखाना, करने के बाद सिखाना। नेटवर्किंग की कर्मठता, कमिटमेंट तथा ईमानदारी, सिंसियरिटी की अग्नि परीक्षा इसी दोहराने की स्टेप में होती है। सूची बनाइए, आमंत्रण करिए, प्लान दिखाइए, फॉलोअप करिए, जोड़िए। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, टच द आर्ट ऑफ रिपीटेशन टू द पीपल हु हैव ज्वाइंट। कोई प्रणाली कितनी भी सक्षम क्यों न हो, आपके स्वनिर्णय, अनुशासन, कर्मठता तथा नजरियों का विकल्प नहीं हो सकता। कोई प्रणाली को विकल्प की तरह इस्तेमाल न करे। एक, करने योग्य जरूरी कार्य, दूसरा न करने योग्य जरूरी कार्य। आदर्श प्रणाली, एक आदर्श प्रणाली और भी अच्छी हो सकती है यदि प्रणाली को रोटरी क्लब में प्रचलित 4 वे टेस्ट की कसौटी पर रखकर देखा जाए। रोटरी क्लब के 4 वे टेस्ट इस तरह है जो हम सोचते बोलते व करते हैं। पहला, क्या यह सभी के लिए उचित है, इज इट फेयर टू ऑल। दूसरा, क्या यह आसानी से सीखी जा सकती है, इज इट ईजी टू ऑल। तीसरा, क्या यह अनुकरण के लिए सरल है, इज इट ईजी टू फॉलो। चौथा, क्या यह आसानी से दोहराई जा सकती है, इज इट ईजी टू डुप्लीकेट।
प्रणाली में पारदर्शिता होना चाहिए, जिस पर सभी जुड़ने वाले समान रूप से भरोसा कर सके। लोगों को प्रणाली से जुड़कर कार्य करने में ही उनका हित है, यह उन्हें साफ नज़र आना चाहिए। प्रणाली में होने वाली बातें, मीटिंग, समारोह आदि से सभी जुड़े हुए लोगों का फायदा हो तो ही उचित है। प्रणाली में कोई भी ऐसा कार्य जो सिर्फ व्यक्तिगत हितों की प्राप्ति होने तक सीमित होता है तो ज़्यादा देर और ज़्यादा दूर तक संगठन का चलना मुश्किल है। प्रणाली में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के उद्देश्य की प्राप्ति करके प्रयासों से ही प्रणाली को महान बनाया जा सकता है। प्रणाली में जब आप अपलाइन, स्पॉन्सर, प्रेजेंटर, स्पीकर किसी भी रूप में जब स्टेज से या आमने सामने किसी से कोई बात करते हैं, समझाइश देते हैं, अपना मत रखते हैं, निर्देश देते हैं, तो ऐसा करने से पहले यह पता कर ले कि क्या यह सभी के लिए उचित है, क्या यह सभी के हित में है। यदि इसका उत्तर हाँ में है ही हो तो तुरंत कर ले, अन्यथा हजार बार सोचे। दूसरा, प्रणाली में निहित कार्य आसानी से किए जा सके। लोगों को माहौल और मार्गदर्शन ऐसा मिले कि लोगों को इस व्यवसाय में काम करना अच्छा लगे। वैसे भी लोग नियमों में बंधकर काम करने से लोग कतराते हैं। कार्य प्रणाली ऐसी हो जिसमें सभी तरह के लोग अपने स्तर और आवश्यकता अनुसार काम कर सके। सभी से हम समान प्रदर्शन की उम्मीद न रखें। जब कुछ लोग आपकी टीम में जुड़ेंगे तो कुछ लोग ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे तो कुछ लोग नहीं। कुछ लोग तेज़ी से काम करेंगे तो कुछ लोग आराम से। कुछ लोग समय के पाबंद होंगे तो कुछ नहीं। इन संसार में कभी भी लोग न तो एक से होंगे और न ही एक समान व्यवहार करेंगे। प्रणाली की सफलता इसी में है कि सभी को समान रूप से उनके हितों का ध्यान रखकर उन्हें सहयोग करते रहे। तीसरा, प्रणाली की सफलता तभी है जब लोग इसका अनुसरण आसानी से कर सके। जो लोग इससे जुड़े उन्हें यह महसूस हो कि बगैर अपनी आदतों, समय सारणी में बदलाव के वे इसका अनुसरण कर सके। प्लान दिखाने, साप्ताहिक प्लान, ट्रेनिंग, सेमिनार, फॉलोअप में समय का बहुत ध्यान रखें। यदि आपकी प्रणाली से दूसरों के समय, धन और ऊर्जा की बर्बादी होती है और इसका प्रभाव उसके मौजूदा जिंदगी पर पड़ता है तो आप लोगों को इस व्यवसाय में काम करने कराने में कभी भी सफल न होंगे। लोगों को उनकी सुविधा के हिसाब से काम करने के अवसर मिले तो हमेशा अच्छा होगा। आप उन्हें पार्ट टाइम कैसे कर सकते हैं सिखाइए। सफलता मिलने पर फुल टाइम कैसे करना है वे स्वयं सीख लेंगे। आपकी बातों से, आपके व्यवहार से नए जुड़ने वाले व्यक्ति को यही लगना चाहिए कि इसे करना आसान है। उसे हमेशा यह लगे कि जब कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। चार, प्रणाली की बातें, कार्य और तरीके क्या लोगों के द्वारा आसानी से दोहराए जा सकते हैं? यदि प्रणाली में निर्धारित कार्य प्रणाली को सिर्फ कुछ विशेष गुण रखने वाले व्यक्तियों, शिक्षित व्यक्तियों या समाज के कुछ विशेष वर्ग के लोगों के द्वारा ही किया जा सकता सकेगा तो आपका काम कहीं ना कहीं अटक या रुक जाएगा। हर बार प्रणाली में काम करने वाले लोगों को यही लगना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, इसे करना तो आसान है। प्रणाली में निर्धारित प्रक्रिया, प्लान दिखाना, लिस्ट बनाना, आमंत्रण और फॉलोअप आदि जितनी सरल और तेज़ी से की जा सकेगी उतनी ज़्यादा आपकी और आपके संगठन की तरक्की होगी। यदि लोगों को डुप्लीकेशन करना आसान होगा तो रिजल्ट भी बहुत तेज़ी से मिलेंगे। डुप्लीकेशन के सूत्र, जो कहेंगे और वही करेंगे तो तेज़ी से लोग आपकी बातों को डुप्लीकेट करेंगे। आपके द्वारा सिर्फ कहा जाए, उसे किया ना जाए तो लोग डुप्लीकेट नहीं करेंगे। लोग आपके द्वारा की जा रही गतिविधियों को देखकर ज़्यादा सीखते हैं, न कि सिर्फ उन गतिविधियों को सुनकर। फॉलोअप कैसे करना है, तब ज़्यादा सीखा जा सकता है जब कोई व्यक्ति अपलाइन के साथ फॉलोअप के समय उपस्थित रहे।
न कि सिर्फ फॉलोअप को किताबों में पढ़कर। किताब पढ़ने के लिए प्रेरित करना तब और आसान होगा जब वह आपको किसी किताब को पढ़ते हुए देखता है। ध्यान रखें, आपकी बातें, आपकी आदत, आपका व्यवहार, आपकी कार्यप्रणाली सभी कुछ आपकी डाउनलाइन डुप्लीकेट करती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। डाउनलाइन के कार्य व्यवहार की गुणवत्ता सीधे सीधे अपलाइन के कार्य व्यवहार की गुणवत्ता से संबंध रखते हैं। डाउनलाइन जैसा अपलाइन को करते देखता है वैसा भी ही वो भी डुप्लीकेट करती है। डुप्लीकेशन और फोर वे टेस्ट। कुछ भी बोलने या करने के पहले अपनी बातों और कार्य को चार वे कसौटी पर रखकर देखें। क्या सही है? क्या सीखना और सिखाना आसान है? क्या सभी कर सकते हैं? क्या सबके हित में है? ऊपर लिखी चार वे आपके संगठन में होने वाली कार्यप्रणाली को सही रखेंगे। इस व्यवसाय में सही डुप्लीकेशन में ही सफलता की कुंजी छुपी है। जिस तरह से सही सोने की जांच परख कसौटी पत्थर पर रखकर की जाती है, ठीक उसी तरह ऊपर लिखित फोर वे आपके व्यवसाय में सही डुप्लीकेशन की कसौटी है। इसका इस्तेमाल जरूर करें। डुप्लीकेशन क्या करें, क्या न करें, ऐसा कभी न करें। हर बार नई बातें, हर बार नई स्लाइड, हर बार नई कहानी, हर बार नया प्लान, हर बार नया तरीका, हर बार नई कार्यप्रणाली आपके ग्रुप को कन्फ्यूज करने के लिए काफ़ी है। डुप्लीकेट करना असंभव है। ऐसा करके आप अपने आप को बड़ा बना सकते हैं कुछ देर के लिए। अगर आप सिस्टम को राजा बनाएंगे तो सिस्टम आपको महाराजा बना देगी। ऐसा हर बार करें। हर बार वही बातें, हर बार वही स्लाइड, हर बार वही कहानी, हर बार वही प्लान, हर बार वही तरीका, हर बार वही कार्यप्रणाली आपके ग्रुप को परफेक्ट करने के लिए काफ़ी है। ग्रुप में डुप्लीकेट करना आसान है। ऐसा करके सिस्टम को बड़ा बना सकते हैं हमेशा के लिए। अगर आप सिस्टम को राजा बनाएंगे तो सिस्टम आपको महाराजा बना देगा। प्रणाली में अपना रोल समझें। जब आप इस व्यवसाय से जुड़ते हैं तब एक ही समय में आपको विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग कार्यों को करते समय अलग अलग लोगों के साथ हर बार अलग तरह से रोल निभाना पड़ता है। पहला, एसोसिएट। सर्वप्रथम आप इस व्यवसाय से एक एसोसिएट की तरह जुड़ते हैं, आप बिल्कुल अकेले होते हैं। दूसरा, स्पॉन्सर। आप इस व्यवसाय में जिस व्यक्ति के माध्यम से आते हैं वह आपका स्पॉन्सर कहलाता है, और आपके स्पॉन्सर को भी किसी व्यक्ति ने जोड़ा था। आपके स्पॉन्सर और उनके ऊपर के सभी लोग अपलाइन कहलाते हैं। तीसरा, डाउनलाइन। आपकी टीम में नीचे जुड़े लोग आपके डाउनलाइन कहलाते हैं। चौथा, अपलाइन। आपके साथ जब आपके टीम में एक या एक से अधिक लोग जुड़ जाते हैं तो आप अपनी टीम के सदस्यों के लिए अपलाइन कहलाते हैं। पांच, क्रॉस लाइन। ठीक इसी तरह से जब आप इस व्यवसाय से जुड़ते हैं तो ऐसे भी बहुत से लोग मिलेंगे जो न तो आप अपलाइन में होंगे और न ही तो आपके डाउनलाइन में होंगे। आप ही की तरह इस व्यवसाय से जुड़े होंगे। वे भी व्यक्ति इस व्यवसाय में क्रॉस लाइन या ब्रदर लाइन कहलाते हैं। जब आप विवेक, स्वनिर्णय, अनुशासन, कर्मठता तथा नजरिए के साथ वे सारी कुशलताएं जो आपकी प्रणाली से मिलती है और उनका उपयोग करते हो तो आपकी सफलता लगभग निश्चित है। प्रणाली का उपयोग कैसे करें? जब कोई व्यक्ति किसी प्रणाली से जुड़ना चाहता है तो ज़रूरी है कि वह पहले स्वयं आश्वस्त हो ले कि उसे इस प्रणाली के उपयोग से क्या लाभ होंगे। इस प्रणाली में चलने और चलाने के पहले उसे ज़रूर पता करने का हक है, और पता करना भी चाहिए कि उसके पहले यह प्रणाली पहले जुड़े लोगों को सफलता दिला चुकी है।
क्या प्रणाली से जुड़ना आसान है? क्या यह प्रणाली बगैर किसी भेदभाव के काम करती है? क्या आप प्रणाली में बताए गए तरीकों पर पूर्णतः चलने के लिए तैयार हैं? भरोसा है कि यह प्रणाली आपको सफल बनाएगी। जितनी ज़्यादा अवधारणा प्रणाली के प्रति सकारात्मक होगी, उतनी ज़्यादा आप सफलता के करीब होंगे। सबसे पहले स्वयं पर भरोसा करें कि आप सफल हो सकते हैं। भरोसा करें कि यह प्रणाली आपको सफलता के करीब ले जाएगी। सफलता कोई चमत्कार नहीं, प्रणाली के तरीकों पर भरोसा करके और उस अनुसार कार्य करके हर दिन आप सफलता के करीब पहुंच सकते हैं। कैसे? एक, प्रणाली के प्रति एक सच्ची आस्था रखें और विश्वास करें कि प्रणाली में बताई बातों से ही सफलता मिलेगी। दूसरा, प्रणाली में निर्देशित बातों का ईमानदारी से पालन करें। तीसरा, प्रणाली में उल्लिखित बातों में आपकी तरफ से कुछ भी नया न जोड़े और कुछ भी न हटाए, जैसा है वैसा ही रहने दें। चार, प्रणाली से जुड़े, उसे समझे। इसके लिए पुस्तक प्रगति पथ, प्रगति सूत्र आपके कार्य प्रणाली को आधार बनाइए। पाँच, अपना एक निर्धारित टाइम टेबल बनाइए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधियाँ करें। छः, किसी कार्य को करने के लिए हमेशा तैयार रहिए, जरूरत पड़ने पर अपना हाथ हमेशा उठाइए, आगे बढ़ने के कोई अवसर न चूकिए। सात, सुनने की कला सीखिए। आठ, सीखिए कि कब बोलना है, कितना बोलना है और सबसे महत्वपूर्ण कब नहीं बोलना है। वास्तव में यह सीखना सबसे ज़रूरी है कि क्या नहीं बोलना है। नौ, पैसे का लेन देन साफ सुथरा रखें। दस, समय के पाबंद बने। ग्यारह, हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहने। बारह, ये व्यवसाय आपका है, व्यवहारी बने। आखिर ये व्यवसाय आपका है। तेरह, दूसरों का सम्मान करें। अपनी अपलाइन, डाउनलाइन और यहाँ तक कि क्रॉसलाइन का भी सम्मान पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें। चौदह, सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको अपनी प्रणाली और कंपनी का सम्मान हमेशा करना चाहिए। एडिफिकेशन। पंद्रह, मदद लेने के लिए अपने स्पॉन्सर से लगातार संपर्क में रहें। यदि स्पॉन्सर मदद न करे तो एक अच्छे अपलाइन ढूंढे। 16, प्रणाली में निर्धारित टूल्स का प्रयोग करें और लगातार सीखते रहे। अपने मन व बुद्धि से पूछें। व्यवसाय शुरू करने के पहले एक बार मन की गहराई में जाकर पता करें, क्या आप नेटवर्किंग के सिद्धांत से पूरी तरह सहमत हैं? क्या इसके लिए समय का प्रबंधन कर समय निकालने के लिए तैयार है? क्या आपके पास भविष्य को सुंदर बनाने के लिए संघर्ष करने की क्षमता है? क्या नेटवर्किंग व्यवसाय से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं? याद रखें, बगैर थके, बगैर शर्म के हर बार अपनी बातों को जोश उत्साह के साथ दोहरा सकते हैं तो ही आप कामयाब हो सकते हैं। आपके परिवार के सदस्यों का इस व्यवसाय को करने का समर्थन आपकी सफलता के लिए एक ज़रूरी कदम है। इसे जल्दी करें। जब आप इस व्यवसाय को करेंगे तब आपको समय समय पर इसे फैलाने के लिए कई बार शहर के बाहर, कई बार अलग अलग गतिविधियों की वजह से घर के बाहर लंबे समय तक रहना पड़ सकता है। तब तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप और आपके परिवार के बीच अच्छा सामंजस्य हो, इनका खुशी खुशी समर्थन हो। यह व्यवसाय सिर्फ आपका अकेले का नहीं है, यह आपके परिवार का व्यवसाय है। ध्यान रखें, परिवार के हर सदस्य को इसमें मिलने वाले फायदों को बताते रहे। यदि आप प्लान, सेमिनार या मीटिंग में जाते हैं तो कोशिश करें परिवार के वयस्क सदस्यों, माता पिता, भाई बहन, पत्नी को भी लेकर जाएं। इससे निश्चित तौर पर इस व्यवसाय के प्रति भरोसा बढ़ेगा और आपके घर में काम करने का सकारात्मक माहौल बनेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि यदि आप ये सोचकर जुड़ रहे हैं कि कोई और
आपका व्यवसाय बढ़ा देगा तो बहुत संभावना है कि आपको निराशा ही हाथ लगे। नेटवर्किंग व्यवसाय के महत्वपूर्ण अंग। एक, कंपनी जिसके यह प्रणाली कार्य करती है। दोन, अपलाइन, वे सभी व्यक्ति जो आपके व्यवसाय में आपके ऊपर है और आपकी मदद करते हैं। तीन, डाउनलाइन, वे सभी व्यक्ति जो आपकी टीम में आपके नीचे जुड़ते हैं और आप इनकी मदद करते हैं। चार, क्रॉस लाइन। पाँच, टूल्स, इस व्यवसाय को आसान और सरल बनाने के लिए लगातार सीखते रहने की ज़रूरत है। प्रणाली में प्रचलित किताबें, सीडी, वेबसाइट, फंक्शन, सेमिनार, फोटो एल्बम, लिस्ट बुक, ड्रीम बुक आदि से कम समय में बहुत कुछ सीख सकते हैं। इन्हें ही टूल्स कहते हैं। छः, सेमिनार, फंक्शन, समारोह, इस व्यवसाय का महत्वपूर्ण हिस्सा है। समय समय पर जुड़े लोगों की मदद के लिए समारोह का आयोजित किया जाता है, जिसमें प्रमुख है वीकली प्लान, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन, डायमंड सेलिब्रेशन, डायमंड और रेड क्लब मीटिंग आदि। सात, किताबें, और व्यवसाय की तरह इस व्यवसाय को भी बहुत प्रोफेशनल तरीके से किया जाना चाहिए। व्यवसाय में अक्सर अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं। इस व्यवसाय में आकर स्वयं में क्या बदलाव करना है, नज़रिया कैसे बदले, यह सब रिकमेंडेड किताबों को पढ़कर ही सीखा जा सकता है। प्रणाली में प्रचलित बुक ऑफ द मंथ प्रोग्राम से अवश्य जुड़े। नौ, आठ, वेबसाइट, प्रणाली की वेबसाइट www.successforever.in लोगों के उत्थान, सही और समय पर मार्गदर्शन देने के लिए तैयार की गई है। वेबसाइट के माध्यम से प्रणाली में प्रचलित और नए आने वाले टूल्स की विस्तृत जानकारी मौजूद रहती है। समय समय पर होने वाली गतिविधि, नए डायमंड अचीवर, होने वाले समारोह आदि के बारे में जानकारी मिलती रहती है। नौ, प्रणाली, कोई भी व्यक्ति किसी प्रणाली से महान नहीं है। एक सफल प्रणाली हजार लोगों की जिंदगी बदल सकती है। किसी प्रणाली का महत्व क्या है, इन लोगों से पूछो जो बगैर प्रणाली के अपना व्यवसाय करते हैं। प्रणाली के महत्व को समझें। प्रणाली को अलग हटाकर अपने आप को देखें। आप क्या है, स्वयं एहसास करने लगेंगे। हमारी यह प्रणाली कितनी सशक्त, ताकतवर, सरल और सुलभ है, इसका अंदाज़ा इसमें सफल लोगों को देखकर कर सकते हैं। सोच कर देखें, क्या प्रणाली के बगैर इस व्यवसाय में लोग सफल हो सकते हैं? आपको गर्व होना चाहिए कि आप एक बहुत ही सफल और सशक्त प्रणाली का हिस्सा है। 10, स्पॉन्सर, 11, प्रेजेंटर, स्पीकर, कंपनी, अप्लाइन रोल, क्या करे क्या न करे, कंपनी के बारे में जानकारी रखे और आपकी टीम में जुड़ने वाले हर व्यक्ति को सही जानकारी प्रदान करे। किसी भी तरह के आंकड़ों को बड़ा चढ़ाकर मनगढ़ंत तरीके से प्रस्तुत न करें। कंपनी और उससे जुड़े हर बातों को जिम्मेदारी से जांच कर ही नेटवर्क में फैलाए। आप कंपनी के कर्मठ हो और सन्मान्य एसोसिएट ही रहे, कंपनी न बने। कंपनी और उनके डायरेक्टर पर भरोसा करें। उनके काम में हस्तक्षेप करने की कोशिश न करें। विश्वास करें कि कंपनी का हित उसमें काम कर रहे लोगों के हित में है। कंपनी और डायरेक्टर्स का हमेशा सम्मान करें। कभी भी अनजाने में बुराई न करें। डाउनलाइन के मन में कंपनी के प्रति कोई शंका न रहने दें। हर शंका का समाधान दें। यदि आपके पास समाधान न हो तो आपकी अपलाइन के माध्यम से समाधान करें। डाउनलाइन के द्वारा मांगी गई जानकारी आपके पास न हो तो सच्चाई से स्वीकार करें कि आपके पास जानकारी नहीं है, लेकिन अपलाइन से मशविरा करके पूरी जानकारी डाउनलाइन को प्रदान करें। इसके लिए समय लें।
डाउनलाइन का रोल, क्या करे क्या न करे। कंपनी और उनके डायरेक्टर का हमेशा सम्मान व भरोसा करें। कंपनी के बारे में उचित जानकारी लेना आपकी जिम्मेदारी है। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखें। अपलाइन के द्वारा कंपनी के संबंध में जो कुछ बताया जाए वैसा ही आगे बताइए। अपने मन से तथ्यों और जानकारी को कम या ज़्यादा न करें। जैसा है वैसा ही रहने दें। कंपनी और उनके डायरेक्टर्स की कोई कभी बुराई न करे। जब आप बुराई करते हैं तब आप ही बुरे दिखते हैं, क्योंकि कंपनी ने कई वर्षों में अपना एक अलग ही मुकाम बनाया है। आप बड़े हैं या कंपनी, शंका रखकर कार्य न करें। अपनी शंका का समाधान अपलाइन से प्राप्त करें। यदि आपकी अपलाइन के पास शंका का समाधान न हो तो आगे बढ़े और उनकी अपलाइन से समाधान प्राप्त करें, लेकिन शंका न रखें। इस चैनल पर मैं ऐसे ही दुनिया भर की बेहतरीन ऑडियो बुक्स और बुक समरी लाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए। मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ। आपका दिन शुभ हो।